एक खबर के बजाय एक कॉज समझ के भरपूर तरीके से प्रमोट किया और हाईलाइट किया, मैं इस पे मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज यहाँ बैठने का मकसद ये है कि हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई थी, जिस सिलसिले में सीएम साहब आए और सीएम साहब ने कुछ कमिटमेंट्स दी थी, तो उसके फॉलोअप के सिलसिले में ये आज का सेशन अरेंज किया गया। हमारी तीन बुनियादी कमिटमेंट थी सीएम साहब के साथ, उसमें एक कमिटमेंट थी कि हॉस्पिटल को सील किया जाए या गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर ले। दूसरी हमारी कमिटमेंट ये थी कि मालिकान को फौरन से पहले गिरफ्तार किया जाए। और तीसरी हमारा जो पॉइंट था, जो हमें कमिटमेंट दी गई थी, वो ये था कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। पहले वादा जो हॉस्पिटल सील करने से रिलेटेड था, उस पर अमल हुआ। एक ऐसा कदम था कि अगर हमारे यहाँ कोई गलती करे तो वो हॉस्पिटल सील हो सकता है। इसके लिए ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं था जब तक आवाम की सपोर्ट और वो जो दुखी ख़ानदान हैं, वो जो दुखी वालिदैन हैं, या वो जो इफेक्टीज हैं, या वो वालिदैन जो सिर्फ़ और सिर्फ इस पेन को फील करते हैं, ये उनके बगैर मुमकिन नहीं था। तो मैं इस पहली बुनियादी अचीवमेंट पे मीडिया के अहबाब का, आवाम की सपोर्ट का और उन वालिदैन का जो मेरी सफ़ में खड़े हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम आते हैं जो हमारे दो बुनियादी बाकी के वादे हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए, उनकी डिस्कशन करना चाहते हैं। देखें, एक हमारा वादा था मालिकान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक। इसमें हमने पहले गफलत का मुकदमा दर्ज किया हुआ है उनके खिलाफ, लेकिन दुनिया भर के डॉक्टर्स और उनकी कंसल्टेंसी बेटी के मरने के असबाब और उस लॉजिक को तय करने के बाद हमने कल कोर्ट में ये अपील मूव कर दी है कि ये 302 का मुकदमा है और ये मुकदमा बराए मुकदमा नहीं है। अब बात पूरी होगी, क्योंकि पहले तकलीफ गफलत की थी, अब वो तकलीफ इसलिए बढ़ चुकी है आपने गलत इंजेक्शन लगाया, ये एक गफलत थी। उसके बाद अब हमें ये पता चलता है कि जैसे ही ये हो के रहता है, तो जब किड्स आईसीयू नहीं था, वो एक अडल्ट आईसीयू था, और अगर आपने पीड्स आईसीयू में रखा तो आपका इखलाकी फ़र्ज बनता था, आप आके कहते कैसर साहब हमारे पास नहीं है, आप कहीं ले जाएं। लेकिन आपने अपनी गफलत छुपाने के लिए मेरी बेटी के साथ जुआ खेला है कि ये अगर मूव हुई तो कहानी उल्टी हो जाएगी। दूसरी बात, पैज ये पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो आपकी हार्ट रेट्स को बना के वापस लेके आते हैं, और हमारे यहाँ 4 हॉस्पिटल हैं जिसके अंदर LNH है, NICH है, आगा खान है, जहाँ आप ये कह सकते हैं आप वहाँ ले जाएं, वहाँ ये बच जाएगी। आप वहाँ, आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं था और आपने फिर भी नहीं लेके गए और आप खुद तजर्बा करते रहे। तीसरी बात, जब मेरी बेटी वेंटिलेटर पे आ जाती है
तो आप 5 दिन सिर्फ ये तजर्बा करने की कोशिश करते हैं और मुझे ये बोलते रहते हैं कि ये वेंटिलेटर पे मूव नहीं हो सकती, और मुझे अब ये पता चलता है कि जो अमन एम्बुलेंस है उससे ये बेटी शिफ्ट हो सकती थी, और मुझे डॉक्टर ने ये बताया है NICH के और AKU के, ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम वेंट पर अमन एम्बुलेंस में पेशेंट को मूव करते हैं। चूंकि इनसे एक गलती हुई हुई थी, इन्होंने उसको छुपाने के लिए 5 दिन वेंट में रखा। मुझे डॉक्टर एक्सपर्ट ने अगली बात ये बताई कि पहला दिमागी झटका आने से पहले जो वेंट जिस दिन लगा उसी दिन आ गया था, अगर ये बेटी मूव हो जाती तो शायद ये नतायज ना होते। मैंने उनकी गफलत पे अल्लाह की मर्जी समझी थी, लेकिन आप छुपा नहीं सकते यार, आप ये नहीं कर सकते। गलतियां हम सबसे होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको छुपाने के लिए, आपने 6ठे दिन भी तो मुझे LNH भेजा, आप मुझे पहले दिन भेज दे। अल्लाह ने अगर उसके मुकद्दर में मरना लिखा था मैं इस पे राजी रहता। अब जब डॉक्टर्स ने ये सब चीज़ें शेयर कर ली हैं कि ना इनके पास स्टाफ था, ना इनके पास ICU था, और उसके बाद वेंट पे रखना जानबूझ के छुपाना है कि अगर फौरन लेके जाएंगे मसला हो जाएगा, तो ये 302 का मुकदमा है। मैं आपको अपनी बेटी से नहीं खेलने दे सकता, तो मेरा मुतालबा अपनी जगह पर है कि आप तीनों मालिकान को गिरफ्तार होना होगा, नहीं छोड़ सकते, आपको गिरफ्तार होना होगा। आपने पहले गफलत और उसके बाद आपने इसको कत्ल में बदला है। मैं आज 5 बजे जा रहा हूँ IU को अपना बयान रिकॉर्ड कराने, और मैं उसके अंदर ये सारी टेक्निकल बातें जो मुझे डॉक्टर्स ने शेयर की हैं कि इस स्टेप पे अगर ये होता तो नतीज बदल सकते थे। एक दूसरा पॉइंट ये, एक तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, दूसरा ये कि हमारा दूसरा मुतालबा ये था कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। आप लोग यकीन करें मेरी नश्वा चली गई है। अब ये जो मैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं जाए यार। मैं पर्सनली मजबूत आदमी हूँ, लेकिन मैं मजबूर आदमी भी हूँ। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये किसी जज की निगरानी में बनाई जाए जो खुद इस सिस्टम को सही करे, इन पे भरोसा नहीं किया जाता। क्यों? ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन का फेलियर है। कैसे फेलियर है? कि ये पहले ये कहते हैं कि 170 165 में से सिर्फ 70 लोग हैं जो जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, 95 ऐसे जिन्होंने नहीं किया हुआ, लेकिन इसके बावजूद हम बंद नहीं करेंगे और हम 5 लाख रुपए जुर्माना लगाएंगे, और फिर अगले ही दिन उसी कानून के तहत ये बंद कर देते हैं। तो ऐसे कमीशन पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? दूसरी बात, अब ये हमें कल मीडिया से ही पता चला कि ये जो SHCC के एग्जेक्टिव हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, इन्होंने डबल डबल पोजीशन रखी हुई हैं, और ये भी कल ही पता चला कि ये एलिजिबल ही नहीं है। यार, आपके इख्तियार में कैसे दिया जा सकता है? आप जब अमल का केस आता है तो जस्टिस खिलजी की रिपोर्ट कहती है आपने गलत बयानी की, नश्वा की रिपोर्ट कहती है कि आपने दारू सेहत के साथ फेवर की, खिलजी की रिपोर्ट कहती है कि आपने
एनएमसी की फेवर की, आपके इख्तियार में हम कैसे बच्चों का मुस्तकबिल दे सकते हैं? तो इस फेलियर के बाद हमारा बड़ा प्राइम मुतालबा है अनरजिस्टर्ड अनलाइसेंस हॉस्पिटल के खिलाफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, और ये कमिटमेंट मुझे सीएम साहब दे कर गए थे। और फिर इंक्वायरी कमीशन का ये काम है कि वो ये देखे, इंस्पेक्शन करे कि लाइसेंस देने की शराइत क्या है और लाइसेंस के लिए स्टाफ कितना, डॉक्टर कैसे, ये सब उनका काम है, वो अपना काम करें। आखिरी अर्ज ये है कि हम इन दो मुतालबात पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में बनाया जाए, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की उसमें बनाया जाए, और दूसरा मुतालबा कि मालिकान की गिरफ्तारी। जब मैं मालिकान कहता हूँ तो मैं ये कहता हूँ चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब, अगर हमारे ये दो मुतालबात नहीं पूरे होते कल शाम 5 बजे तक, कल शाम हफ्ता शाम 5 बजे तक नहीं होते, तो हम अपना हक रखते हैं कि हम इतवार को 12 बजे प्रोटेस्ट के लिए बैठ जाएंगे। और मेरी गुजारिश ये कि मैं कोई नहीं होता डेडलाइन देने वाला, मैं एक आम शहरी हूँ, मेरे से ये जो कमिटमेंट है गिरफ्तारी की, ये आईजी कलीम इमाम साहब ने दी थी, जो इस सूबे का सबसे ताकतवर पुलिस ऑफिसर है। अगर वो नहीं गिरफ्तार कर सकते तो फिर मेरा हक बनता है कि अगर सबसे ताकतवर भी नहीं कर सकता तो फिर तो मैं बैठूं लोगों के हक के लिए यार, कि ये नहीं हो सकता कि आप सौदा करें। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब, जो इलेक्ट होकर इस सूबे के सबसे मजबूत शख्स हैं, उन्होंने ये कमिटमेंट दी थी कि हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, तो उन्होंने ये कमिटमेंट, मुझे किसी गली वाले ने नहीं कमिटमेंट दी थी, तो अब आप दोनों हजरात की कॉल है कि या तो मुझे तस्कीन दें, मुझे बिल्कुल बैठने का शौक नहीं और ये हमारे मुतालबात पूरे करें, या फिर आप हमारे सब्र का इम्तिहान लें। दूसरी बात, जितने भी वालिदैन हैं जो हमें सुन रहे हैं, जो इस दर्द में इस कैफियत में हमारे साथ हैं, मैं उन्हें भी ये कह रहा हूँ कल शाम 5 बजे तक की डेडलाइन है, और वो जो भी एग्रीव्ड फैमिलीज़ हैं जो हमारे पास आ रही हैं बार बार केसेस लेके दूसरे हॉस्पिटल की भी, वो ये डेडलाइन सुन लें। हम जब नहीं होता तो हम संडे को उन सारी फैमिलीज़ के साथ बैठेंगे। मसला कैसर की नशवा का नहीं है, वो अपनी नशवा को नहीं बचा सके, बचा कैसर भी नहीं सका, लेकिन उनके लिए भी ये मौका है कि एक मर्तबा हम सब मिलके खड़े हो जाएं। आखिरी चीज़, कल परसों से हमने कुछ देखा कि कुछ सियासी पार्टीज़ के आपस में एक मुखालफी बयानात शुरू हो गए। मेरी गुजारिश है प्लीज़ इसको कोई और रंग मत दें। मेरे पास हॉस्पिटल से लेके ताज़ियत में हर पार्टी के लोग आए हैं और वो अपने पेन को फील करते हुए आए हैं। इस वक्त सियासत का टाइम नहीं है, इस वक्त टाइम ये कि हम मिलकर बैठें और इस मसले के हल के लिए काम करें। हमें किसी पार्टी की तरफ से किसी समझौते का कोई प्रेशर नहीं है, अलबत्ता जो दूसरी पार्टी है उसके ख़ानदान के कुछ लोगों ने ज़रूर रब्ता किया, लेकिन हमें किसी सियासी पार्टी से कोई नहीं है। हम सबसे ये उम्मीद कर रहे हैं कराची के स्टेक होल्डर्स में, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, PTI हो, सबके लोग आए हैं और सब हमारे दुख में शरीक हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसको किसी और तरफ मत लेके जाएं और इस मसले को हम मिलकर हल करें। बस यही मेरी, अच्छा नहीं, कल एक सेकंड, कल शाम 5 बजे तक की डेडलाइन है, अगर डेडलाइन तक ये दो काम नहीं होते तो संडे 12 बजे एहतजाज होगा। अच्छा, आखिरी पॉइंट कौन सी जी?
जी जी अच्छा अच्छा एक तो सियासी पार्टी से रिलेटेड हमने ये वाला पॉइंट अपना क्लियर कर दिया कि इसको कोई और रंग ना दे, और हम मीडिया से भी ये गुजारिश करते हैं कि कोई अगर सियासी पार्टी में कोई शख्स कोई बयान देता भी है तो आप भी उसको ये कहें कि यार ये मसला इस वक्त आम पब्लिक का है, इंसानियत का मसला है। दूसरी बात ये कि जो पुलिस का रवैया पहले दिन था हमारे साथ दारुसेहत में, जिसके अंदर वीडियो चली, एक प्रेशर और सारा कुछ था, पुलिस के रवैये में जहां डीआईजी साहब, जहां आईजी साहब ने खुद आके यकीन दिलाया, उस रवैये में उनके कॉर्पोरेट में एक तब्दीली आई है, हम उसको भरपूर अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है कि अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम इस पे प्रोटेस्ट पे नहीं बैठेंगे। तो हम आपके रवैये को भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस से हम मुतमइन नहीं हैं। आखिरी बात, मुतासिरा ख़ानदान जो हैं, हम उनसे ज़रूर गुजारिश करते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन हमें मिल चुकी हैं वो हो गई हैं। इसके अलावा और भी हॉस्पिटल के जितने भी मुतासिरा ख़ानदान हैं वो कल शाम तक ज़ीशान और शिराज के नंबर हैं उनके पास, उनको वो एप्लीकेशन भेजें ताकि हम सब उसके साथ मिलकर बैठें। देखें, कानून के तहत जो हमें बताया गया है कि उसके प्रोसेस होते हैं कि जिसके अंदर स्टेजेस में वो सील होता है, तो चूंकि अगर वो कानून को फॉलो कर रहे हैं तो हम इसलिए मुतमईन हैं क्योंकि उन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन दी है कंप्लीट सील होने की, वो आज रात में पूरी होती है। अगर उस पर नहीं होता तो हम उस पर मजीद एहतजाज की डेस्टिनेशन का भी हमने आपस में मशवरा करना है, क्योंकि कल तक डेडलाइन है, तो डेडलाइन के बाद हम फिर एहतजाज की जगह का ऐलान कर सकते हैं। देखें, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं इस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन हमारा मौक़िफ यही है कि हमने उस वक्त भी यही ऑप्शन दिया था और हम अब भी यही कह रहे हैं कि हॉस्पिटल सील करने का मकसद ये था कि इन ऑपरेशन इनके हाथ से लिया जाए जो ये ज़्यादती कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास आज भी ऑप्शन है कि वो टेक ओवर करे, 2 किलोमीटर पर हो जाए, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर भेजे और उसको अपनी कस्टडी में ले लें। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मुझे अगर ये बताया जा रहा है कि हार्ट रेट इतना चल रहा है, हार्ट रेट ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन ये है कि आप इसे यहाँ ले जाएं। हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, ए हमारे पास एक्सपर्ट एक प्रॉपर रूम नहीं है, बी आप वेंटिलेटर पे लेके जा सकते हैं, सी ये वो इन्फॉर्मेशन थी जिस पे भी जाके अगर जो होना था वो तो अल्लाह ने लिखा हुआ था। देखें, डॉक्टर का नाम मैं इसलिए नहीं कोट करना चाहता कि चूंकि ये जब इन्होंने तय कर लिया था कि ये होना है तो वो पूरी इंतज़ामिया थी उसमें, जिसके अंदर जब आके हमें तो एक ये बताया जा रहा था कि अच्छा अभी वेंट पर है, वेंट उतर जाए फिर चले जाइएगा, वेंट उतर जाए फिर चले जाइएगा, तो उसमें तो मल्टीपल डॉक्टर्स हैं जिनकी शिफ्ट चल रही थी। जी जी शहजाद आलम साहब जिनसे मेरी मीटिंग हुई, ऑफकोर्स देखे शहजाद आलम साहब एडमिनिस्ट्रेटर से जिनसे मेरी मंडे को मुलाकात हुई थी संडे के वाक्य के बाद, उनका ये काम था कि हमारे पास ये नहीं है। जब मैं मंडे बैठा था, संडे के को इंजेक्शन लगा है, मंडे वेंट पे थी 3 बजे, तो मैं उन्हीं से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आप मुझे बोलें कि कहाँ जाना है, मैं वहाँ चला जाऊँगा, वो कहते हैं आप यहाँ रहें। जी
जी, मैं सर इस पर यही जो हमारा मुतालबा है ना, वो क्या है कि मोइज़ एक क्लीनिंग बॉय है, सोबिया एक मिडवाइफ नर्स है जो गायनी वार्ड में होती है। ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने अपने इसमें लिखा है वो मिडवाइफ है। इनको किसी ने ये इख्तियार दिया है कि तुम इस जगह के बजाय यहाँ काम करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इस वजह से आप जिम्मेदार हैं। अच्छा, अगर ये मोइज़ एक प्रॉपर नर्स होता और गलती होती और वो मिडवाइफ ना होती, पीड्स की क्वालिफाइड नर्स होती, तो शायद हमारा मुतालबा ये ना होता, हम गफलत का मुतालबा होता। नहीं सर, इस वक्त उस तरह का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रेशर ये ज़रूर हम फील करते हैं, शायद इदारों पर प्रेशर है कि वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। नहीं नहीं, जो मेरा पुराना बयान मैंने रिकॉर्ड कराया उसके अंदर मैंने इन सब के नाम मेंशन किए हैं, कैटेगोरिकली मेंशन किए।